सत श्री अकाल, नारायण हरि, जय श्री राम। सौंप दे अपना जीवन तू मसे। कदे आ डीजीपी लाता सैनी नु मेल देने वाला, एडवोकेट जनरल लाता, की करनी है? Now this would have been an avoidable lie. This was an avoidable lie. नमस्कार, आज तक एआई में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय तक सिद्धू राजनीति में सक्रिय रहे, अब वो एक लंबे अंतराल के बाद क्रिकेट के लाइव एक्शन में बतौर कमेंटेटर नजर आएंगे। सिद्धू आईपीएल में 2024 के आधिकारिक टेलीविजन प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स के लिए हिंदी कमेंटेटर की भूमिका में रहेंगे। मेरी अफवाहों का धुआं वहीं से उठता है जहां मेरे नाम से आग लग जाती है। वक्त की अजब चाल है प्यारे, पल में प्यादे को वजीर बनाते और कभी जरा सी गलती पे शहजादों को फकीर बनाते। चुनावों से पहले गुरु का मास्टर स्ट्रोक, पॉलिटिक्स छोड़ प्रीमियर लीग किया ज्वाइन, क्या कांग्रेस के चुनाव प्रचार से बनाएंगे दूरी गुरु? आईपीएल में कमेंट्री का ऐलान, जरूरी या मजबूरी? पंजाब की पॉलिटिक्स में दहाड़े मारकर अपने विपक्षियों की बोलती बंद करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बड़ा दांव खेल दिया है। स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से पोस्ट की गई इस तस्वीर के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल में कमेंट्री करते नजर आएंगे। तस्वीर में नवजोत सिंह सिद्धू की तस्वीर के साथ लिखा है, सरदार ऑफ कमेंट्री बॉक्स इज बैक। सिद्धू ने इंडियन पॉलिटिक्स लीग में कमेंट्री छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग में कमेंट्री करने का फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि वो इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करेंगे। सिद्धू ने कमेंट्री में वापसी पर कहा, कमेंट्री मेरे खून में है, ये मेरी पहचान है। जैसे महान गुरु ने हमें हमारी पगड़ी दी, मेरी पहचान मेरी पगड़ी से होती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा शौक ही मेरा पेशा है। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, वे अब डॉक्टर हैं। आपके पास ऐसे लोग होंगे जो मैच खेलना चाहते थे और आज वे एक बिजनेस चला रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें वो करने का मौका मिलेगा जिसको उन्होंने सबसे ज्यादा इंजॉय किया हो। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आनंद से भरपूर है तो उसमें समय का पता नहीं चलता है। सिद्धू ने कहा, मेरे लिए कमेंट्री वरदान है, कमेंट्री करते हुए मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूं। पंजाब कांग्रेस के तेज तर्रार नेता होने के साथ साथ सिद्धू कांग्रेस के स्टार कैंपेनर के तौर पर भी माने जाते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या गुरु क्रिकेट में कमेंट्री के साथ पॉलिटिक्स में तालमेल बिठा पाएंगे, क्योंकि पंजाब की 13 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे और उसी दौरान आईपीएल लीग भी खेली जाएगी। कमेंट्री के लिए किस तरह की तैयारी रहती है, इस पर सिद्धू ने कहा, जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये फिजिकल होता है। एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको सहन शक्ति, एक विशेष आहार और बहुत कुछ जोड़ना होगा, लेकिन कमेंट्री पूरी तरह से मानसिक शक्ति, सहजता और भाषा पर नियंत्रण के बारे में है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे पिता सुबह 4:30 या 5 बजे उठकर मुझे 3 अखबार देते थे, द ट्रिब्यून, एक हिंदी में, एक पंजाब केसरी और दूसरा पंजाबी में। सिद्धू ने आगे कहा, मुझे सारे अखबार पढ़ने होते थे और हेडलाइन देनी थी। जब मैं स्कूल से वापस आता था तो न्यूज सुननी पड़ती थी, आधा घंटा अंग्रेजी, आधा घंटा हिंदी और फिर थोड़ी सी उर्दू। उस समय मैं उन टीवी एंकर्स के चेहरों को देखकर बहुत तंग आ जाता था और मेरे पिता मुझे बैठाकर समाचार सुनाते थे। बाद में जब मैंने कमेंट्री करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मैं शब्दों के बारे में नहीं सोच रहा था, वे स्वाभाविक रूप से मेरे पास आ रहे थे। क्रिकेट, कमेंट्री और कॉमेडी में हाथ आजमाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पॉलिटिक्स में तेजी से एक्टिव हुए थे और पंजाब की पॉलिटिक्स में अपनी एक अलग छवि और पहचान बनाई थी। अब वो एक बार फिर क्रिकेट की कमेंट्री की तरफ लौट रहे हैं, लिहाजा उनके विरोधी उनके इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, हमको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो कोई ज्यादा योगदान किसी भी काम में वो डाल नहीं सके, तो अच्छा है। वो फील्ड के उसके एक्सपर्ट हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, वो जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी कमेंट्री करेंगे तो अच्छी कमेंट्री लोगों को सुनने को मिलेगी। इधर राजनीति में कुछ ना काम होगा तो अच्छी बात है। नवजोत सिंह सिद्धू एक अजिही शख्सियत है कि उन्होंने दिल कितने भी ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। उन्होंने बड़े डिफरेंट हैट्स वियर किए हैं,
और ये तो उनका पुराना है, ओल्ड है, ये शायद सूट करेगा बिकॉज ही हैज़ बिन इन टू डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, देन ही हैज़ बिन एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा, एमएलए आल्सो, देन स्टेट प्रेसिडेंट और मिनिस्टर भी रहे, पर उनका मन कहीं नहीं लगता। नवजोत सिंह सिद्धू करीब पिछले 6 साल से क्रिकेट से दूर थे और पॉलिटिक्स में छक्के चौके लगा रहे थे, पर बीते कुछ महीनों से वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। इसकी एक वजह सिद्धू का बागी तेवर भी है, क्योंकि वो पार्टी की बैठकों के समानांतर अपनी बैठकें भी कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में उनके खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है और ऐसी ही नाराजगी सिद्धू ने आज तक से बातचीत में जाहिर की थी और कहा था कि राजनीति का खेल अलग है। 7 रंग मुझे परमात्मा ने दिए, लेकिन वहां मेरा अपना दम, मेरी अपना शौर्य, मेरा अपना बल काम आता था, लेकिन पॉलिटिक्स में 5 को 50 कर देते हैं, 50 को 500 कर देते हैं, 500 को कई बार 100 कर देते हैं। तो यहाँ लड़ाई बड़ी डिफरेंट किस्म की है, यहाँ तुम्हारा अपना मेरिट काउंट नहीं करता, यहाँ अब मैं क्या कहूं कि यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद हाईकमान समझेगी, मैं तो वचनबद्ध हूं। बहरहाल लोकसभा चुनाव की पॉलिटिक्स में सिद्धू कितने एक्टिव रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, पर एक बात तो तय है कि सिद्धू की कमेंट्री से फैंस के लिए आईपीएल का मजा दोगुना होने वाला। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।